देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का सेट। ओके, तो सेट में जरा सबसे पहला टॉपिक क्या था? सेट में पहला चैप्टर है 1.1 में, है ना। तो क्या होता है सेट को अगर डेफिनेशन वाइज देखें तो क्या बताएंगे? वो वस्तुएं जो सुपरिभाषित होती हैं। कैसी होती हैं? सुपरिभाषित होती हैं, मतलब जिन्हें अच्छी तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं या काउंटेबल होती हैं जो, है ना। वो क्या होते हैं? वो सभी सेट होता है ना। वो वस्तुएं जो सभी सुपरिभाषित होती हैं सेट कहलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बताया गया? निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? और अपने उत्तर का औचित्य देना है, बताना है कि हैं या नहीं है। तो अगर पहला देखें तो क्या बताया? जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। ओके, या जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का संग्रह। ओके, तो जे अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका जनवरी हो गया और जून हो गया। कौन कौन से जरा लिख लेते हैं पहले, जनवरी, फिर जून और फिर जुलाई, ये तीन मंथ्स हैं। ओके, इसके अलावा तो नहीं होते हैं, तो ये इसका आंसर ये हो गया, है ना। और इन सभी को हम क्या कर सकते हैं? काउंट कर सकते हैं, और काउंट कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं सही से, तो वो क्या होते हैं? तो वो समुच्चय होते हैं। अगला बताया भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ओके, 10 और सबसे अधिक, याद रखिएगा कि इन्हें हम अलग अलग लोगों से अगर पूछेंगे तो हर कोई अलग अलग लेखक बताएगा 10, है ना। तो अगर हर जगह पे अलग अलग आंसर आता है तो क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। अगर सुपरिभाषित नहीं है तो ये समुच्चय नहीं है। ओके, फिर इसके बाद में आ जाता है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का समुच्चय। तो अगर 11 बल्लेबाजों को देखा जाए तो क्या बताएंगे कि हर कोई जिससे भी पूछोगे वो सभी अलग अलग आंसर देंगे, है ना। जो नए लड़कों से पूछोगे तो इस टाइप वाले बल्लेबाज बताएगा टॉप के, और जो एज पुराने लोगों से पूछोगे तो लोग पुराने बल्लेबाजों को बताएंगे। तो क्या होगा? ये संग्रह नहीं होगा। ओके, तो ये समुच्चय नहीं होगा। अब आ गया आगे आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ओके, अगर कक्षा के सभी बालक हैं और तो किसी भी क्लास में बालक जो होंगे उन्हें आप गिन सकते हो आसानी से। अगर गिन सकते हो, गिन सकते हो, अगर गिन सकते हो तो क्या है? परिभाषित है, मतलब सुपरिभाषित है, तो ये सेट है। ओके, तो पहला हो गया, इसके बाद ये हो गया। 100 से कम संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अगर 100 से कम है तो भी हम लोग काउंट कर लेंगे, अगर काउंट कर लेंगे तो वो समुच्चय है। ओके, तो फिर क्या करेंगे? ये भी सेट है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। जो लेखक प्रेमचंद हैं उनके द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं तो उनका अगर समुच्चय पूछा जाए तो ये सभी हम गिन सकते हैं, क्योंकि उपन्यास उनके जो भी होंगे 2, 4, 8, 10 जितने भी होंगे काउंटेबल होंगे। और अगर काउंटेबल हैं मतलब उन्हें हम सुपरिभाषित कर सकते हैं, अगर परिभाषित कर सकते हैं तो कैसा है? सेट है। इसका मतलब ये भी सेट है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, है ना। सभी संपूर्णांक, अगर संपूर्णांक की बात की जाए तो संपूर्णांक हम लोग क्या बोलेंगे? 0, 2, 4, 6, 8, ... तो इन सबको हम गिन सकते हैं, है ना। संपूर्णांक है और संपूर्णांक है तो ये सुपरिभाषित कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, और समझा सकते हो तो क्या है? सेट है। ओके, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये जो अध्याय है इसमें जो भी प्रश्न आएंगे तो प्रश्न या तो 10 होंगे, 12, 15, 20, 50, 100, मतलब काउंटेबल होंगे, तो क्या है? इन्हें परिभाषित कर सकते हैं, अगर परिभाषित कर देंगे तो सेट है। ओके, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ओके, खतरनाक जानवर विश्व के बहुत सारे हैं, है ना, तो बहुत सारे हैं तो ये सेट नहीं होगा। ओके, तो ये परिभाषित नहीं कर सकते, तो ये सेट नहीं है। ओके, फिर इसके बाद बताया गया सेकेंड नंबर पे कि दूसरा है, मान लीजिए A=1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त, ये E को बोलते हैं बिलोंग टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग टू। और ये क्या है? नॉट बिलोंग टू। ओके, बिलोंग टू और नॉट बिलोंग टू। देखो बिलोंग टू उसे बोलते हैं जब कोई चीज उसमें मैच करती है, मतलब ए जो है, ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है,
क्या पांच, एक दो तीन चार पांच छह में है ये है, तो ये है अगर, तो हम क्या लिख देंगे, बिलोंग टू। ओके, अगर नहीं है, जैसे आठ इसमें नहीं है, एक दो तीन चार पांच छह आठ नहीं है, तो आठ नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। अगर मैच कर रहा है तो बिलोंग टू का चिन्ह लगाएंगे, और अगर नहीं कर रहा है तो नहीं लगाएंगे। ओके, जीरो डॉट डॉट ए, जीरो नहीं है तो नॉट बिलोंग टू। दस है, दस बिलोंग टू नहीं है, नॉट बिलोंग टू। फिर इसके बाद में एक दो तीन चार पाँच छः, दो है बिलोंग टू। फिर इसके बाद में चार है, हाँ बिलोंग टू। ओके, तो ये सही से कर लीजिएगा। इसके बाद जरा तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। ओके, अगर तीसरे क्वेश्चन की अपन लोग बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें जरा ध्यान से देखना। x सच दैट x एक पूर्णांक है, तीसरा क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है, और माइनस तीन से सात के बीच में है वो पूर्णांक। अगर माइनस तीन से सात के बीच में है तो सॉल्यूशन लिखेंगे, और क्या लिख देंगे, a बराबर माइनस तीन और सात के बीच में कितने नंबर आते हैं। अगर आपको आता है तो ठीक है, अदरवाइज नंबर लाइन ड्रा करो और फिर देख लो कितने आते हैं, देखना। तो जरा ये नंबर लाइन हो गई अपनी, है ना, और फिर कितने, माइनस तीन, है ना। तो यहाँ पे कितना कर दें, यहाँ पे जीरो, माइनस एक, माइनस दो और माइनस तीन, ये कितना है, एक दो तीन चार पाँच छ सात, कितने नंबर मैच कर रहे हैं, माइनस दो से सात के बीच के नंबर लेने हैं। तो बीच के नंबर यही हुए, अगर ये हुए तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर आपका आएगा माइनस दो माइनस एक, जीरो एक दो तीन चार पाँच और छः। ओके, ये a की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। b नंबर जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का है, सेकेंड पार्ट में क्या बताया गया कि x सच दैट x संख्या छः से कम एक प्राकृत संख्या है, छः से कम प्राकृतिक संख्या है, छः से कम, छः से कम प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ डॉट डॉट, है ना। तो छः से कम, छः से कम मतलब पाँच तक, है ना। तो क्या लिखोगे, p बराबर छः से कम एक दो तीन चार और पाँच, ये आपका आंसर हो गया। ओके, फिर क्या बताया तीसरा, x सच दैट x दो अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसके अंकों का योगफल कितना हो, सात हो, आठ हो। तो जरा देखिए, अंकों का योग कितना रखना है, आठ। कौन सा पार्ट है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पार्ट है थर्ड, तीसरा पार्ट। ओके, तीसरा पार्ट अगर देखें तो अंकों का योग कितना है, आठ। अगर योग आठ है तो बताओ, एक और सात आठ होता है, फिर दो और छः आठ होता है, तीन और पाँच, अल्ले अल्ले रुक जाइए, देखिए एक सात दो छः तीन पाँच चार चार, फिर सात एक छः दो पाँच तीन आठ जीरो। ओके, तो इतनी संख्याएं बनेगी, और इनको क्या कर देना, ऐसे, तो ये आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया कि x सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 का भाजक है, 60 का भाजक चौथा, 60 का भाजक 60 लिखो और भागित कर लो, दो तिया छः तीस, दो पंद्रहियाँ तीस, तीन पचे पंद्रह, पाँच एक पाँच। अगर इसे लिखोगे तो 60 बराबर क्या लिखोगे, दो गुणे दो गुणे तीन गुणे पाँच। लेकिन हमने बताया था कि सेट जब किसी चीज़ का लिखते हैं तो सेट लिखते हैं संख्या को एक बार ओनली, कितने बार भी संख्या दी जाए उसे हम सिर्फ सिंगल टाइम लिखते हैं, और सिंगल टाइम अगर लिखते हैं तो क्या लिखोगे, दो तीन और पाँच। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बताया गया, अगला आपको बताया गया फिफ्थ नंबर, ई ट्रिग्नोमेंट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, ट्रिग्नोमेंट्री शब्द के अक्षरों को, सभी अक्षरों को एक एक बार लिखते हैं, एक एक बार मतलब टी, फिर आर, फिर आई,
फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर एम, फिर ई, फिर टी, फिर वाई। ओके, टी देखो एक बार हो चुका था तो टी ये हटेगा, है ना, बाकी सब सही है। ओके, फिर क्या बताया, एफ बेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय, तो इसे भी एक बार लिख लो, बी ई और टी और आर, याद रहेगा तो इसका भी समुच्चय हो गया। नेक्स्ट क्या बताया गया, नेक्स्ट बचाया गया निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, ये जो सीट दिया गया उन्हें समुच्चय निर्माण के रूप में निरूपित करना है, तो जरा देखिए कैसे करेंगे। पहला है, पहला जैसे 3, 6, 9, 12 है ना, 3, 6, 9, 12 क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3×3 ऊपर, 3×2 6, इसे 3×3 9, इसे 3×4 12, मतलब कहने का है इसे हम क्या लिख सकते थे, इसे लिख सकते थे पहला वाला 3, 6, 9, 12 है ना, इसे लिख सकते थे 3×1, 3×2, 3×3 और 3×4, अगर ऐसे लिख सकते हो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि x such that x बराबर 3n, जहां n बिलोंग आपका नेचुरल नंबर है, जबकि n की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है, इक्वल टू नहीं करेंगे, लेस देन 5 कर देते हैं, ठीक है। ये भी आंसर ऐसे करके लिख सकते हो सेट बिल्डर मेथड से, है ना, x as that x बराबर 3n कि 3 का गुणज है, जबकि n जो है वो 5 से कम है, ऐसे लिख सकते हो, है ना। ऐसे 2, 4, 6, 8 सेकेंड वाला पार्ट अगर देखें तो सेकेंड पार्ट में क्या बताया गया, जरा ऊपर कर लेते थोड़ा, सेकेंड पार्ट क्या बताया गया, सेकेंड बताया गया 2, 4, 8, 16 और 32 है ना, सेट बनाना है तो सेट बना लो। इसे क्या लिखोगे, इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, नो 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 नो, क्या लिखेंगे, 2 की घात 4 फिर 2 की घात 5। ओके, ब्रैकेट क्लोज, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x दैट x बराबर 2 की घात n, एनी टाइम में तो है, जहां n बिलोंग क्या है, नेचुरल नंबर है, जबकि n की जो वैल्यू है वो लाई करेगी लेस देन आर इक्वल टू 5 तक। ओके, तो आंसर हो गया। तीसरा देखिए, 5, 25, 125 और 625, तीसरा भी देख लीजिए, तीसरा क्या है, 5, 25, 125, 625, चलिए चलिए रे चलिए, 5 की घात 1 लिख सकते हो, 25 को 5 की घात 2 लिख सकते हो, 125 को क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3, और 625 को 5 की घात 4, क्लोज कर लो। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो बराबर x such that x बराबर 5 की घात n, जहां n बिलोंग क्या है, नेचुरल नंबर है, जबकि n की वैल्यू जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 4 है। ओके, मतलब 4 तक ले सकते हैं। अगला क्या है, 2, 4, 6। ओके, चौथा नंबर अगर देखें 2, 4, 6 आगे डॉट डॉट है, दो चार छ आठ आगे डॉट डॉट और क्लोज। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं कि x as that x सम संख्याओं का समुच्चय या सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, x as that x बराबर सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सम प्राकृतिक संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब अगला देखिए, अगला क्या है, 1, 4, 9 और 100। चलिए पांचवा, पांचवा क्या है, पांचवा है 1, 4, 9, 100। ओके, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं
एक का स्क्वायर, फिर दो का स्क्वायर चार होता है, फिर तीन का स्क्वायर नौ होता है, फिर 10 का स्क्वायर, ना 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 ना, डॉट डॉट लगाया इसमें, इसमें बीच में वैल्यूएशन कैसा लिखा है, ये लिखा है डॉट डॉट करके, कैसे ऐसे 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 करके 100 लिखा है ना, तो इसे क्या लिख लेंगे, इसे हम डॉट डॉट करके इसे भी लिख लेंगे, है ना, कैसे ऐसे डॉट 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 10 का स्क्वायर। ओके, तो इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स बराबर एन स्क्वायर, जहाँ एन जो है एन बिलोंग नेचुरल नंबर है, है ना, और एन की वैल्यू जो लाई कर रही है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 तक लाई कर रही है। ओके, तो ये हो गया, चार नंबर तक ये क्वेश्चन हो गया आपके। ओके, तो आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर। ओके, पांचवा अगर देखने की बात करें तो जरा देखिए ध्यान से, पांचवा क्या बताया गया, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो दिया गया, उसमें क्या बताया, निम्नलिखित समुच्चयों को सूचीबद्ध कीजिए, है ना, सूचीबद्ध करने का मतलब है x सच दैट, चला देखिएगा कैसे करता है, a बराबर दिया गया x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है, और याद रखिए विषम संख्याएं वो होती हैं जो खुद से डिवाइड होती हैं। ओके, तो खुद से डिवाइड होने वाली संख्याएं ये होती हैं, एक तीन पाँच सात, है ना, और सो ऑन डॉट डॉट डॉट। ओके, विषम और प्राकृतिक संख्या, सेकेंड पार्ट दिया b बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है जो कि माइनस एक बटे दो और नौ बटे दो के बीच में है, क्या है, पूर्णांक है, तो जरा इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूर्णांक है तो पूर्णांक के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे, हे भगवान की जय, जय बजरंगबली बाबा की जय। देखिए ओके, ये आपकी नंबर लाइन हो गई, अब नंबर लाइन पे क्या करेंगे, नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, ये जीरो है, चलिए करते हैं, ये जीरो, फिर माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार। ओके, और कहाँ तक जाना है, नौ बटे दो तक, चलो चलते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ। ओके, बटे दो है तो सबके बटे दो कर देते हैं, चलिए ओके, सबके बटे दो, सबके बटे दो, लो अब सबके बटे दो हो चुका है, बताया क्या गया, माइनस एक बटे दो और नौ बटे दो के बीच का है, तो माइनस एक बटे दो आपका ये है, है ना, तो ये तो छोड़ ही दो, यहाँ तक तो कुछ नहीं करना है, है ना, कहाँ तक, यहाँ तक कुछ नहीं करना है। ओके, फिर नौ बटे दो मतलब यहाँ तक नहीं करना है, इसके बीच में करना है, और लिखना क्या है, पूर्णांक, है ना, तो पूर्णांक सबसे पहले क्या है, एक तो जीरो काउंट हो जाएगा, इसे हम ले सकते हैं, मतलब रेशनल भिन्न टाइप में नहीं लेंगे, एक बटे दो नहीं लिया जाएगा, दो एकन दो एक आ जाएगा, तो ये ले लिया जाएगा, ये नहीं लिया जाएगा चूंकि तीन बटे दो है, दो दूनी चार, ये भी ले लिया जाएगा, ये भिन्न नहीं लिया जाएगा, दो तिया छः, जो कट जाए वो लिए जाएंगे, दो नहीं कटेगा वो नहीं, ये नहीं लिया जाएगा, दो चाकू आठ। ओके, चूंकि पूर्णांक की बात की है, मतलब नंबर क्या बचे, जीरो एक दो तीन चार, तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, आंसर लिख सकते हैं जीरो कामा एक कामा दो कामा तीन और कामा चार, ये आंसर हो गया। फिर इसके बाद में बताया कि सी नंबर जो क्वेश्चन है थर्ड, सी बराबर एक्स इज दैट एक्स एक पूर्णांक है जो कि एक्स स्क्वायर लेस देन फोर है। ओके, क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन फोर, तीसरा नंबर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, फोर है, है ना, अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर है और लेस देन आर इक्वल टू दिया गया, तो एक्स बराबर क्या लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट चार, सॉल्व करोगे एक्स बराबर वैल्यू आएगी प्लस माइनस, तो चलिए आते हैं नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पे आएंगे तो क्या करेंगे, ये करेंगे। ओके, चलिए अब इसमें नंबर अगर ड्रा करेंगे तो ये आपका जीरो रहेगा, माइनस एक और माइनस का दो, फिर
फिर एक और दो, ये जो नंबर आए ना ये सारे लिखे जाएंगे, ये सारे लिखे जाएंगे। मतलब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस दो कामा माइनस एक कामा जीरो कामा एक कामा दो, यह का इसका आंसर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि डी दिया गया शब्द लॉयल शब्द का अक्षर का समुच्चय। लॉयल है तो लॉयल है, इसे एक एक बार लिखना होता है, एल कामा ओ कामा बाई कामा ए लोया। फिर क्या बताया, एक्स जेड एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन आता है। ओके, तो 31 दिन वाले महीने का समुच्चय लिखना है, 31 दिन नहीं आता है ना आने वाले महीने। देखिए जिन जिन महीनों में 31 दिन नहीं आते है, जरा देखिए, 1 फरवरी हो गया आपका, इसके बाद अप्रैल हो गया जिसमें नहीं आते हैं 31 दिन। ओके, फिर जून हो गया, फिर सितंबर हो गया, इसके बाद क्या हो गया नवंबर, इन सब में नहीं आते हैं। और नहीं आते हैं इन्हीं को पूछा गया है, जिसमें ना आता हूँ तो इसे लगा देंगे सेट का चिन्ह, बस ये हो गया आंसर इसका। ओके, नेक्स्ट क्या दिया गया, नेक्स्ट बताया अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। अंग्रेजी वर्णमाला, जरा अंग्रेजी वर्णमाला को पहले लिख लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में के से पहले के अक्षर, के से पहले के अक्षर। अच्छा, के से पहले के अक्षर कौन कौन से हो जाते हैं जरा देखिए, कौन कौन से हैं के से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ओके, अब इसमें क्या बताया कि व्यंजन हो, अगर व्यंजन की बात कर रहा है तो स्वर हटा दो ए और फिर अगर व्यंजन हटाना है तो क्या क्या हटाना है, स्वर हटाना है, तो जरा देखिए स्वर कौन कौन से हैं, हटा देते हैं, देखिए यही हटा दीजिएगा, फिर आई हटा दीजिएगा, बाकी जो बचा है उसे एक ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, कौन से बी सी डी एफ जी एच और फिर जे, ये सभी क्या है अंग्रेजी वर्णमाला के से पहले के अक्षर हैं, वो भी व्यंजन में, है ना। तो ये समुच्चय हो गया। फिर आगे बताया गया 6 नंबर में बाई ओर रोस्टर रूप में लिखी दाई ओर समुच्चय निर्माण में सही मिलान करना है। जरा बताना 1 2 3 6 जो है, 1 2 3 6 ये 6 से भाजक है, कैसे 6 से काटो, पहले 1 से काटो 1 चंगा 6, फिर 2 से काटो 2 तिया 6, फिर 3 एकन 3, है ना। तो 1 2 3 और फिर 6 से खुद ऑलरेडी कट जाता है 6 एकन 6 या फिर 6 एकन 6। ओके, तो 1 2 3 6 कोई भी संख्या है खुद से विभाजित होती है हमेशा, तो 1 2 3 6 किसके हैं, 1 2 3 6 जो हैं वो 6 से विभाजित या भाजक हैं, तो 6 के अगर भाजक है तो क्या करेंगे यहाँ तक ले आएंगे, है ना, 6 के भाजक हैं तो ये लगा दिया। फिर इसके बाद में बताया गया क्या कि 2 3 क्या है, 2 3 6 के भाजक हैं लेकिन अभाज्य संख्या है, 2 3 कैसी है अभाज्य संख्या है, तो ये भी मिला लीजिएगा इसका इसका। फिर मैथमेटिक्स का ये आपका एयर हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद में क्या बताएगा, 1 7 9 1 3 5 7 9 10 से कम है और सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो अगर विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इन्हें मैच कर दीजिएगा ऐसे। ओके, तो आज आपका पहला चैप्टर एंड हुआ, फर्स्ट चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 1.1। कल आपको नेक्स्ट वीडियोज मिलेगा, उसमें आपको सेकेंड एक्सरसाइज मिलेगी और कुछ जीरो लेवल का बताया भी जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।